हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है और किस तरह से ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट होता है और वो लंग्स से किस तरह से गुजरता है और ऑक्सीजन को वहाँ से ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स को दे देता है। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पल्मोनरी सर्कुलेशन को समझने के लिए आपको ये डायग्राम को गौर से देखना है। कहानी स्टार्ट होती है हार्ट के इस पोर्शन से। अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि हार्ट के अंदर आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स होते हैं। राइट साइड पे अगर हम बात करें तो ये जो साइड है ये हार्ट की राइट साइड कंसीडर करें, तो राइट साइड पे ऊपर वाली जगह पे जो है दिस इज़ दी आट्रियम, राइट आट्रियम, और नीचे दिस इज़ दी राइट वेंट्रिकल। सो कहानी स्टार्ट होती है एक्चुअली राइट वेंट्रिकल से। होता क्या है राइट वेंट्रिकल में कि हार्ट जब ब्लड को पंप करता है, लेट्स सपोज़ यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी, राइट वेंट्रिकल में सपोज़ करें ब्लड मौजूद है। जो ही हार्ट राइट वेंट्रिकल को कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड क्या होगा, इन छोटे से वॉल्व से होता हुआ इस ब्लू वाली एक वेसल में आ जाएगा। अभी जो वॉल है इनको कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व, ये टू नंबर पे आपको दिख रहा है। अब यहाँ से जब जो राइट वेंट्रिकल है जो ही ये कंट्रैक्ट हुआ तो ब्लड किधर आ गया, इस ब्लू वाली वेसल के अंदर। अब ये ब्लू वाली वेसल एक्चुअली में है क्या, दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज पल्मोनरी ट्रंक। इसे क्या कहते हैं इस वेसल को, इसको कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक। अब पल्मोनरी ट्रंक जो है वो फर्दर दो आर्टरीज में डिवाइड होता है, एक को कहते हैं हम लोग राइट पल्मोनरी आर्टरी, एक को हम लोग कहते हैं लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। एक्चुअली ये ब्लू कलर में आपको आर्टरीज दिख रही हैं। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स को कहते हैं जो कि ब्लड को हार्ट से अवे लेकर जाती है, ठीक है। और आर्टरीज जो है उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन ऑलवेज कीप इन माइंड कि एक्सेप्शन ये है कि पल्मोनरी आर्टरीज जो है, ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रही हैं, दे कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगेन आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ से हमारे पास जो ब्लड था वो राइट वेंट्रिकल से सेमी ल्यूनर वॉल्व्स के थ्रू पल्मोनरी ट्रंक में गया, पल्मोनरी ट्रंक के बाद वो पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। सपोज करें दिस इज़ दी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के लेवल पे जाके आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाती है, इनको कहते हैं पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं दे फर्दर डिवाइड इनटू द पल्मोनरी कैपिलरीज। एक्चुअली दिस इज़ द पॉइंट, ये वो जगह है जहाँ पर ब्लड ने ऑक्सीजनेट होना है। सो हुआ क्या कि ये पल्मोनरी जो कैपिलरीज थी यहाँ पर ब्लड से के अंदर ऑक्सीजन एंटर हो गया और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड थी वो लंग्स को वापस दे दी गई। अब दोबारा जब ब्लड अब ऑक्सीजनेट हो जाएगा तो वो पल्मोनरी वेन्यूल्स के थ्रू पल्मोनरी वेन में चला जाएगा। सो दिस इज़ द पल्मोनरी वेन। अब वेन क्या है, वेन ऐसी ब्लड वेसल होती है जो कि ब्लड को टूवर्ड्स दी हार्ट लेके जाती है। अब ये टूवर्ड्स दी हार्ट ही जा रही है और वेन्स के अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेकिन इस पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। सो ब्लड जो है अब वो ऑक्सीजनेट हो गया है। अब ये पल्मोनरी वेन जो है वो कहाँ पर आती है, वो अगेन हार्ट के अंडर एंटर होती है, लेकिन अब ये हार्ट की कौन सी साइड है, दिस इज़ एक्चुअली दी लेफ्ट आर्ट्रियम, ये जो इलाका है दिस इज़ दी लेफ्ट आर्ट्रियम। सो ये जो पल्मोनरी वेन से ब्लड है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये किस जगह पर आया, लेफ़्ट आर्ट्रियम के अंदर एंटर होता है। अब ये लेफ़्ट आर्ट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, ये लेफ़्ट आर्ट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर एंटर हुआ। अब ये जो वॉल्व्स थे इनको हम लोग बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व कहते हैं। सो द वॉल्व्स बिटवीन द लेफ़्ट आर्ट्रियम एंड द लेफ़्ट वेंट्रिकल आर नाउन एज द बाइकस्पिड और द मिट्रल वॉल्व। सो अब ब्लड किधर आ गया, ब्लड आ गया है इस लेवल पर, यानी आपके पास लेफ़्ट वेंट्रिकल पर। अब जो ही लेफ़्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो ये जो ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड है ये इन वॉल्व्स के थ्रू इस
कोरोनरी आर्टरी के अंदर एंटर हो जाएगा और यहाँ से ब्लड जो है वो कोरोनरी सर्कुलेशन में एंटर हो जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पल्मोनरी सर्कुलेशन। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ईज़िली दोबारा से रिकॉल हो जाए। देखें, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। दिस इज़ द राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर जो ब्लड है दैट इज़ द डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेमिल्यूनर वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी ट्रंक में आता है, देन पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाता है। लेट्स सपोज ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स में, देन कैपिलरीज, यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, देन पल्मोनरी वेन्यूल्स, देन पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन हार्ट के आपके पास लेफ्ट आर्ट्रियम में एंटर होता है और लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर हो जाता है थ्रू दिस बाइकस्पिड वॉल्व। अब यहाँ पर ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से अगेन हार्ट जो है वो किधर चला जाता है, यहाँ से अगेन इन वॉल्व्स के थ्रू इन कोरोनरी ट्रंक में चला जाता है और यहाँ से कोरोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है। सो होप सो आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन की समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई या आप चाहते हैं कि किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए जिसमें आपका कंसेप्ट वीक है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।